मुस्लिम धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल कलिया शरीफ में उसर की शुरुआत हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से दरगाह शाबिर साहब कलियार के उसर में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी 110 जायरीन कलियर पहुंच रहे हैं, जिनको प्यार और सम्मान देने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादब शम्स के द्वारा गंगा जली और भगवद गीता भेंट की जाएंगी। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादब का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार का पैगाम भेजने के उद्देश्य से पाकिस्तान के मंदिरों में 150 करोड़ सनातनी परंपरा को मनाने वालों की ओर से पवित्र ग्रंथ भागवत गीता और गंगाजली भेंट की जाएगी, जिससे दोनों धर्मों के बीच भाईचारा को बढ़ाया जा सकेगा। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान, साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और प्लग का कार्यक्रम, 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच, 1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी। और दरगाह बाबा साबिर पाक का है, जो पूरी दुनिया में जहां से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो सदियों से आ रहे हैं, कई दशकों से आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार वो आएँ तो हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी लेके जाए, और हमने तय किया है कि इस बार रिटर्न गिफ्ट के रूप में हम उनको गंगा जल और श्रीमद् भगवद गीता उनको भेंट स्वरूप देंगे। जो हमारी उम्मीद है कि वो जाके वहाँ अपनी मंदिरों में जो पुजारी होंगे उनसे सम्मान उनके सुपुर्द वो करेंगे, जिससे जो वो संदेश देना चाहते हैं। हमारी तरफ से भी 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार की ओर से, उत्तराखंड के लोगों की ओर से, देश के लोगों की ओर से ये सम्मान है, ये तोहफा उन्हें दिया जाए जिसका वो सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको लगता है?